मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहे जाने वाला शहर पीथमपुर में शनिवार को गो सेवा संघ के सदस्यों ने टेंचिंग ग्राउंड पहुंचकर एक ऐसी तस्वीर उजागर की जिसे सभी शहरवासी देखते ही रह गए। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से गो सेवा संघ के सदस्य मृत गौ माता की सूचना मिलने पर स्वयं उस स्थान पर पहुंचकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नजारा देखकर सभी सदस्य आक्रोशित हो गए और नगरपालिका पहुंचकर विरोध जताया, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गौ माता पर राजनीति करने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन उसका ध्यान कोई नहीं रख रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। गौ माता की जय। गौ माता की जय। हमें कल सूचना मिली थी सुबह कि कल रात को 2 बजे एक गाय का MPB के वायर के थ्रू वो मृत हो जाती है। उसके बाद आज सुबह हम 8-9 बजे आए और चतुर्वेदी साहब के पास आए MPB, तो वहाँ पे सूचना मिली हमें कि वो गाय को है ना ड्रम कर दिया गया है यहाँ पे अपने ट्रेंचिंग ग्राउंड में। तो हम यहाँ पे सभी युवा आए उन्हें अंतिम संस्कार करने, क्योंकि हम सबका यह कहना है कि जिस तरीके से मनुष्यों का व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता है, उसी प्रकार पशु पक्षी जानवरों का भी उसी तरीके से अंतिम संस्कार हो। हम यहाँ गौ माता का सर्वप्रथम हर पीथमपुर के हर गोवंश को अंतिम संस्कार करते हैं, वह सभी को उचित स्थान देते हैं। यहाँ पे हमें पता चला आते से कि 8-9 गायें सर पहले से ही यहाँ पे पड़ी हुई हैं और उनको कुत्ते खा रहे हैं, कुछों का मांस निकल चुका है, किसी गाय के सिंग नहीं है, किसी गाय को उठा के पशु पक्षियाँ इधर से उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? रोहित मेवाड़ा, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ, जिला महामंत्री जी। बताएं आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए? घटना सर ऐसी थी कि कल रात में एक गौ माता का करंट लगने से मृत्यु हो गई, तो उसकी जानकारी हमें मिली। फिर जानकारी के पश्चात हम लोग, मतलब ऐसा पता चला कि वो गौ माता ड्रेसिंग ग्राउंड पर गई, मतलब फेंक दी गई है। तो उसकी जानकारी लेने हम MPB ऑफिस पहुँचे, क्योंकि गाय उन्हीं के थ्रू आई थी। तो फिर वहाँ जाके हमें पता चला कि गाय उनके थ्रू आई थी, तो कुछ कारण था। फिर हम ड्रेसिंग ग्राउंड पर आए, तो हमने यहाँ उस गाय का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। हम गौ सेवा सदस्य की टीम पीथमपुर में, हम लोग यही काम करते हैं कि जैसे कभी अगर गाय की मृत्यु हो जाती है रोड पर या किसी कारण से या एक्सीडेंट से, तो हम लोग विधिवत अंतिम संस्कार करवाते हैं अगर हमारे पास सूचना आती है। तो उसी प्रकार हम अंतिम संस्कार करने आए थे। तो हम यहाँ आके देखते हैं कि हम जिस गाय का अंतिम संस्कार करने आए थे, वो गाय तो बहुत दूर पड़ी थी, उसके पहले ही कम से कम 7 या 8 गाय मतलब इतनी इस दशा में थी, जिसकी दशा का बयान मैं कर नहीं सकता हूँ। इस दशा में गौ माता की हमने हत्या मतलब यहाँ देखी है, और उनकी खाले उधेड़ ली गई है, उनके सिंग अलग कर दिए गए हैं, उनकी पैर अलग है, उनका पूरा धड़ अलग कर दिया गया है, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। इस प्रकार से मतलब गौ माता की यहाँ पर दशा हो रही है। आपने इसकी सूचना किसी अधिकारी को की? अभी तो किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी है। खैर अभी हम लोग सिर्फ आए हैं, हमने यहाँ देखा है, तो इस चीज़ की सूचना सभी अधिकारी को दी जाए, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक गौ माता एक प्राथमिक स्थान है। गौ माता का उस प्राथमिक स्थान को सभी हिंदू धर्म के लोग मद्देनजर रखते हुए अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया, क्योंकि मनुष्य जीवन हो, प्राणी कोई भी जीवन हो, सभी को मृत्यु के बाद एक उचित स्थान मिलना चाहिए। तो हम सभी लोगों का भी यही निवेदन है कि गौ माता को उचित स्थान दिया जाए, कोई भी पशु हो उसको उचित स्थान दिया जाए, आपका नाम उसको धरती में दफनाया जाए। मेरा नाम सुमित जैन, मैं राष्ट्रीय गौ सेवा संघ से जिला संगठन मंत्री हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।